subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गवाहों के बयानात और मौके वारदात पे पाए गए ठोस सबूत और चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर सूरज सिंह की गवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम दुर्जन सिंह वल्द भीम सिंह ने सोचे समझे प्लान के तहत सेठ श्यामलाल का खून किया है। इसलिए अदालत मुजरिम दुर्जन सिंह को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, तेरी गवाही से मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, सारी दुनिया को हिला के रख देगा वो। हेलो, कौन? हमारा नाम है गोगा, हम जो चाहेंगे वही होगा, पहचाना? मैं तुम जैसे स्मगलर्स को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। पहचानते तो तुम अच्छी तरह से हो, लेकिन जब जानोगे तो बहुत बुरी तरह से जानोगे। तुमने हमारे भाई के खिलाफ गवाही देकर उसे हमसे बहुत दूर कर दिया, लेकिन अपनी मौत को अपने इतने करीब बुला लिया जितना तुम्हारे कान के पास तुम्हारे टेलीफोन का रिसीवर। मैं तुम जैसे घटिया स्मगलर्स की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, कानून और सच्चाई का साथ देना मेरा फर्ज है। तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया इंस्पेक्टर, अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या क्या निभाते हैं। हमारा नाम है गोगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। किसका फोन था? अरे किसी का नहीं। तो फिर आप किससे बात कर रहे थे? अगर तुम जिद्दी कर रही हो शांति तो सुनो, एक स्मगलर है गोगा, जिसके भाई को आज ही मेरी गवाही ने फांसी दिलाई है, फोन पे धमकी दे रहा था। इन लोगों से आपने दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे शांति, डरने की कोई बात नहीं, तो मंदिर जा रही थी ना? हाँ। मंदिर जाओ, जाओ 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 जाओ, उठो उठो। मेरा बेटा धर्म क्या पढ़ रहा है? पिताजी, माँ हर रोज मंदिर क्यों जाती है? बेटे, तू एक अच्छा इंसान बन सके और भगवान तुझे हर मुसीबत से दूर रखे। कौन हो तुम लोग? इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी नन्ही सी जान हमारे हाथ में है, अब तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। हे भगवान, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में जो हंसता खेलता परिवार दिया है उसे उजड़ने ना देना, उसे बिखरने ना देना। हमारा नाम है गोगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। देखा देखा ये नजारा तुम लोगों ने? कल तक जिस बच्चे को इसने अपनी बाहों का झूला झुलाया होगा, आज वही बच्चा इसे मौत का झूला झुला रहा है। मेरे बच्चे के सर पर उसके बाप का सहारा रखना, ताकि वो अपने बाप का सहारा पाकर कल को वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कल अदालत में मेरे भाई के खिलाफ कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर तुम बोल रहे थे, लेकिन तुम ये भूल गए कि गोगा की अपनी भी एक अदालत है
जिसका वकील भी गोगा है और जज भी गोगा है। इसे कहते हैं गोगा का फैसला। एक अदालत ऊपर भी है गोगा, जब उसका फैसला होगा तो ऐसी मौत मरोगे कि तुम। मेरी मौत के बारे में सोचना छोड़ दो इंस्पेक्टर, अपनी बची कुची जिंदगी के बारे में सोचो। हम चाहे तो तुम्हें गोली मार कर इसी वक्त ऊपर भेज सकते हैं मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमारे भाई को फांसी के फंदे पर लटकाया है और वही फांसी का फंदा हमने तुम्हारी गर्दन में डाल दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी उतनी देर तक है जितनी देर तक इस गिलास में शराब। बेटे हट जा, हट जा बेटे। पिताजी नहीं, जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा है मैं नहीं हटूंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मत कीजिए। इस सांप के बच्चे का क्या करना है, कहो तो इसे भी। ना ना ना, तुम हमारी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो कि हम जीती हुई बाजी का एक हिस्सा हमेशा छोड़ देते हैं और हमारी जीती हुई बाजी का एक हिस्सा ये लड़का है। और वैसे भी इन दोनों की चिताओं को आग देने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जुल्म हुआ है इस बच्चे के साथ, जालिमों ने कितनी बेदर्दी से मार डाला इसके माँ बाप को। हत्यारों को इस मासूम बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया, छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया बेचारा। अब ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा? बेटे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। ये कुछ तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर बताओ कि तुम्हारे माता पिता का कातिल कौन है। पूरा यकीन है कि कातिल इन्हीं में से एक है। अगर तुम पहचान कर हमें बता दो बेटे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि कानून तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करेगा। बोलो बेटे, बोलो। बहुत हुआ है इस बच्चे के साथ, मार डाले जालिमों ने कितनी बेदर्दी से, मार डाला इसके माँ बाप छोटी छोटी उम्र में अनाथ हो गया बेचारा। छोटी उम्र में अनाथ हो गया बेचारा, छोटी उम्र में अनाथ हो गया, अभी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? नहीं,
छोटे हैं, लेकिन जब इन दोनों छोटे हाथों में एक दिन बड़ी ताकत आएगी तब मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा और तब तब कानून का इंसाफ नहीं होगा, तब होगा मेरा इंसाफ, यानी कि धर्म का इंसाफ, धर्म का इंसाफ, सिर्फ धर्म का इंसाफ। जालिमो तुम बचना मुझसे, तुमसे मैं टकराऊंगा, तुम अगर हो कंस तो मैं कृष्ण बन कर आऊंगा। धर्म का इंसाफ क्या है, धर्म का इंसाफ क्या है, तुमको मैं बतलाऊंगा। जालिमो रहते हैं मजबूरों को सुबह हो शाम, जो करते हैं इंसानियत का हर रोज कत्ले आम, जो उन दरिंदों को पकड़ कर, उन दरिंदों को पकड़ कर कब्र तक पहुंचाऊंगा। कर लो याद तुम भगवान को, अब न रहने दूंगा इस धरती पे मैं शैतान को। लाख तुम रो रो के चीखो, लाख तुम रो रो के चीखो, मैं तरस ना खाऊंगा। जालिमो भूख लगी है, तुम तो कुछ नहीं खाते, तो ये सब फल मैं खा लूं? मैं तो तुमसे मांग के ही खा सकता हूं, क्योंकि तुम सारी दुनिया को खिलाते हो, तो ये फल मैं खा लूं? अच्छा भगवान जी, मंदिर में चोरी करता है, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, मैं भगवान जी से पूछकर खा रहा था। भगवान जी से पूछ के खा रहा है? क्या बात है पुजारी जी, इस मासूम बच्चे को मार क्यों रहे हैं आप? मासूम नहीं, चोर है, चोर, मंदिर में चोरी कर रहा था। चोरी? बेटा तुमने चोरी की? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं भगवान जी से पूछ कर खा रहा था। वाह पुजारी जी, ये भगवान जो सारी दुनिया को खिलाता है उसे सब खिलाने के लिए तैयार है, और उसका एक मासूम बंदा जो बेचारा भूखा है उसे कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं। ला, क्या इंसाफ है दुनिया का। बेटा तुम्हें भूख लगी? चलो मैं तुम्हें खिलाता हूं। ओ क्या हुआ मुझ फूल को जो तुम मसल कर चल दिए, जुल्म के पैरों तले खुशियां कुचल कर चल दिए। एक दिन मैं बन के पत्थर, एक दिन मैं बन के पत्थर, तुमसे ही टकराऊंगा। जालिमो नहीं नहीं नहीं, बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। तरह बेटे
बचपन से लेकर आज तक मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता आ रहा हूं कि वो कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें देखकर तुम पसीना पसीना हो जाते हो। तुम्हारी जिंदगी में क्या बीता मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे बताओ बेटा, वो कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा हादसा है जो तुम्हारी जिंदगी का भयानक सपना बन गया? क्या इस भयानक सपने का कोई इलाज नहीं, कोई अंत नहीं? वही तो ढूंढ रहा हूं। जब इलाज मिल जाएगा तो अंत भी हो जाएगा, सिर्फ अंत। पहले शुरुआत तो कीजिए, मेरा मतलब चाय पी लो। धर्म, बनिए की दुकान से ढाबे के लिए सामान जरूर ले आना। ठीक है बाबा। अच्छा बेटे। ओहो बाबा, आप रोज अपनी छड़ी भूल जाते हो। ये लो अपनी छड़ी। बेटा, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो बाप अक्सर ऐसे सारे भूल जाता है। बाबा। बाबा को क्यों बुला रही है? तुम्हारी शिकायत करने। कल रात को तुम फिर देर से आए थे ना? देखो भरखुरदार, आइंदा ऐसा नहीं चलेगा। देर रात तक जवान लड़के का घर से बाहर रहना ठीक नहीं, कुछ समझे? ओ शैतान कहीं की, जल्दी नाश्ता तैयार कर, मैं भी नहाकर आता हूँ। चल चल चल। क्यों बे बनवारी, घर से नहा के भी आता है कि नहीं? सेठ जी, पिछले हफ्ते ही तो नहाया था। अरे साला, हफ्ता लेता है कि नहाता है? हफ्ता सेठ। प्रभु सेठ, आप कब आए? दुनिया में आए तो सिल्वर जुबली हो गई, मगर जेल से कल ही छूट के आया हूँ लाला। ये लीजिए। मैं चंदा मांगने नहीं आया साले। तीन महीने के हिसाब से पूरा 600 रुपए बनता है लाला। मैं ससुराल क्या चले गया? मायके वाले दहेज देना भूल गए? देखता हूं ये कुत्ते का पिल्ला कैसे हफ्ता नहीं देता। हफ्ता, हफ्ता लेने का बहुत शौक है तुझे। आज ऐसा हफ्ता दूंगा कि जिंदगी भर हफ्ता कहना भूल जाएगा। इसे कहते हैं हफ्ता। ये लो लाला,
सुनो बेटा, लोग ठीक ही कहते हैं, धर्म जब भी करता है इंसाफ की बात करता है। पुलिस भी अपना काम ठीक तरह से तभी कर सकती है जब पब्लिक उसका साथ दे। आप ठीक कह रहे हैं सर, अगर पब्लिक ने साथ दिया होता अब तक मेरी शादी ना हो जाती। सुहाग सिंह, सॉरी सर, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है, पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर करेगी। यानी के आपको आपकी बीबी मिल जाएगी। यू मे गो नाउ। ओके, थैंक यू सर। मैं जब भी कोई सीरियस बात करता हूँ तुम अपनी शादी बीच में ले आते हो। सॉरी सर। ओह सर, लगता है मेरे होने वाले ससुर का फोन है। हेलो इंस्पेक्टर बिसे है क्या? वर्सोवा बीच पक्की इंफॉर्मेशन है ना? हाँ मैं पहुंचता हूँ। चलो चलो सामान जल्दी गाड़ी में डालो। जल्दी करो जल्दी। अरे 10-10 रोटी खा लेते हो और तुमसे उठाई एक भी नहीं जाती। बेटी बॉस। हाँ वही बेटे मोहन, मोहन बेटे। शाबाश शाबाश, जीते रहो, ऑर्डर पे ले जाओ जी। जल्दी करो जी। टाइम कम है मेरे पास। जल्दी जल्दी चलो, पाँव में मेरी लगी क्या? सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। कम ऑन, मेक अ स्ट्रेट लाइन। अब सुना नहीं तुम लोगों ने डीके साहब ने क्या कहा? लाइन में खड़े हो जाओ भैया, चाहते तो खड़े हो जाओ। आ जा भैया, तू भी आ। वेरी गुड। तुम लोगों ने खुशी खुशी जो अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी पेटियां गाड़ी के अंदर भरी हैं, मुझे अफसोस है कि ये पेटियां मैं खाली करूंगा, क्योंकि मेरा नाम है डीके। लेकिन डीके साहब, मेरा नाम जब भी कोई दूसरा आदमी अपनी जबान से लेता है तो मुझे नहीं, मेरे पिस्तौल को बुरा लग जाता है और ये खुद ब खुद चल जाती है। इससे पहले कि चले, मेरे ख्याल से तुम लोग यहां से चलते बनो। कम ऑन मूव। चलो चलो चलो, निकलो जान बची बाबा, निकलो निकलो। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, लगता है थोड़ी देर से पहुंचे हैं सुहाग सिंह। आप ठीक कह रहे हैं सर, ना कोई दुल्हा है, ना कोई दुल्हन, ना ही कोई बाराती, पूरा मंडप खाली पड़ा है, जैसे डोली जा चुकी हो और सुहागरात के लिए दरवाजा खुलने वाला हो। इसने तो हमारा पूरा बिजनेस ही चौपट कर दिया है, इसने तो हमारा नाक में कर दिया है। तुम बॉस। हाँ भाई, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी तो खड़ी हो जाएगी। खटिया बॉस। हाँ हाँ वो
वही। ये हमको कई बार लूट चुका है, अगर ये हमको ऐसा ही लूटता रहा तो हमारा तो निकल जाएगा। दीवाला बॉस। नहीं, दीवाले से पहले मैं निकाल दूंगा उसकी अर्थी बॉस। हाँ वही। ओ माय गॉड, समझ में नहीं आता ये हरामजादा इतने पैसों का करता क्या है। हम जैसे गरीबों की मदद करता है वो। पता नहीं वो देवता है कौन। जो भी है भगवान उसका भला करे। साकी बोतल और जाम जहाँ मिलते हैं हर शाम। साकी बोतल और जाम जहाँ मिलते हैं हर शाम। बोलो पीने वालों उसमें फिर साफ क्या है ना। मैं खाना ये है हमारा सारा। मैं खाना हर सबका दुलारा। मैं खाना दिल का सहारा। मैं खाना आंख का तारा। मैं खाना हर जान से प्यारा। मैं खाना 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 मैं खाना। दिल जलूं आज इतनी पियो तुम शराब। दिल जलूं आज इतनी पियो तुम शराब। सारा सारा सारा
सबके दुलारा मैं भाना, दिल का सहारा मैं भाना, आग का तारा मैं भाना, जान से प्यारा मैं भाना। अबे ओ, जाता कहाँ है? माल क्या तेरा बाप देगा? अब उनका नाम चमकी है चमकी, क्या जब चमकती है ना तो बिजली का माफक चमकती है। चल अब उनके पास माल नहीं है। माल नहीं तो क्या बाप का माल समझ के प्यादा क्या? चल निकाल, चल एक एक चल फुट ले। अबे ओ हीरो, खड़ा खड़ा अपन को क्या दिखता है? पीना है तो बैठ वरना फुट ले। पता नहीं कहां से चले आते हीरो बनने। मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया हूँ, मंगलू की बीवी का मंगल सूत्र लेने आया हूँ जो तुम्हारे पास गिरवी है। अपन कहाँ था कहाँ था? हाँ अपन यहाँ था, पाँच छह। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अपन को बोला क्या? मुझे मंगल सूत्र चाहिए। साहब चमकी के अड्डे पे जो चीज एक बार आ जाती है वो वापस बाहर नहीं जाती, ये यहाँ का असूल है। काफी अच्छा असूल है यहाँ का, अड्डा दारू का हा? मगर असूल फाइव स्टार होटल के बना रखे हैं। वाह, दारू तो मिलेगी? दारू नहीं तो क्या घासेट मिलता है? सांप को दारू दो बाटली ऊपर रखो, उसको वहां रखो, इसको नीचे रखो। ये दारू क्यों गिरा रहा है? ओ साहब पैसा तो देते जाओ। पैसा? वो भी गिरी हुई चीज का? वो क्या है कि जिस तरह यहाँ का असूल है कि अंदर आई हुई चीज बाहर नहीं जाती, मेरा भी एक असूल है कि गिरी हुई चीज के पैसे मैं भी नहीं देता। ओ साहब अभी तुम्हें यहाँ का दूसरा असूल नहीं मालूम। अच्छा तो वो भी दिखा दो। ओ तो ये बात है, बड़े मोटे मोटे असूल पाल रखे हैं तुमने तो। क्या ख्याल है मंगल सूत्र के बारे में? उसूल तो तुम्हारे मार खा गए। मंगल सूत्र तो तेरे को मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं समझा कि अपन देर से डर गया क्या? चमकी भी मर्दों को पसंद करती है ना, मर्दों को नहीं। तेरे को मंगल सूत्र मांगता है ना, ये ले। और हाँ एक बात याद रखना, आइंदा ऐसा कोई भी असूल नहीं बनाना जो पिट जाए। कुछ भी हो है साला मर्द, अपन को शेंडी लगा गया, बिल दे के नहीं गया। अरे पूजा तू अभी तक जाग रही है? जिसका भाई रोज रात को देर से आए क्या उसकी बहन सो सकती है? पूजा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरा इंतजार मत किया करो,
खाना खा के सो जाया करो। कैसी बात कर रहे हो भैया, भाई बुखार है और बहन सो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? मेरी बहन, कल जब तू पराए घर चली जाएगी तो फिर कौन रखेगा ख्याल तेरे भैया का, कौन खिलाएगा मुझे खाना? अरे पगली, मुझे इतना प्यार मत कर कि तेरे चले जाने के बाद मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकूं। मैं अपने भैया से हमेशा के लिए थोड़ी ही जुदा हो जाऊंगी, शादी के बाद रोज मिलने आया करूंगी भैया से। पगली। भैया। बैठो बेटी। तुम्हारा भाई कल रात को कब आया था? बस बाबा, जब आप सोए थे। मैं कब सोया था? जब भैया आए थे। वो कब आया था और मैं कब सोया था? जब मैं जाग रही थी। लेकिन तू कब जाग रही थी? मैं कब जाग रही थी? हाँ याद आया, जब भैया आए थे आप सो रहे थे और मैं जाग रही थी, और जब मैं जाग रही थी भैया आए थे आप सो रहे थे, और जब आप सो रहे थे तो मैं जाग। अपने भाई को बचाने की कोशिश मत कर, जिस दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया ना, तुम दोनों की पिटाई होगी। बाबा, मेरा एक ही तो भाई है और मेरा भी एक ही तो बेटा है, डांटूंगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे? अच्छा मैं चलता हूँ। किसको सुधारने की बात कर रहे थे बाबा? आपको कह रहे थे जब बच्चे जवान हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक ही तो कह रहे थे, शादी तो अब तेरी हो ही जानी चाहिए। वाह भैया, इसका मतलब आप तैयार हैं। क्या मैं? अरे मैं तो तेरी शादी की बात कर रहा था पगली। लेकिन मैं तो आपकी शादी की बात कर रही थी। शादी ना बाबा ना, कल ही एक नमूना देखा था, तबीयत हरी हो गई। पूजा, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियाँ क्या क्या करती हैं। अच्छा भैया, क्या क्या करती हैं आजकल की लड़कियाँ? दो बालकनी के टिकट देना। दो बालकनी? ये तेरी घरवाली का हाथ नहीं है, छोड़ मेरा हाथ। काश ये हाथ मेरी घरवाली का होता। बात क्या है कि वो साला इतना गड़ती है ना, कौन किसका हाथ पकड़ता है साला पता ही नहीं चलता है। लेकिन मुझे आज तक ऐसा हाथ नहीं मिला जिसको मैं जिंदगी भर पकड़ के रखूं। यहाँ हाथ पकड़ने को आए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, जहाँ शादी की फिल्म लगती है ना, मेरी ड्यूटी वही फिक्स हो जाती है। पकड़ लिया ना रिश्ता होते हुए। अब पहन कंगन और चल ससुराल। क्यों नहीं क्यों नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप। लगा, क्या हो गया? सब तुम? क्या बात है, जो चमकी बिजली की तरह चमका करती थी, आज उसका फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? अच्छा वो साहब, तुम आपन को मिल गया, आपन को बचा लो साहब। आजकल लड़कियों को मवाली की जगह पुलिस वालों ने छेड़ना शुरू कर दिया। वो देखो साहब आ रहा है, आपन को छुपा लो साहब, छुपा लो। ठीक है, कितने कार थले तो नहीं पड़ गई है, थेवनी है। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ। भाई साहब, आपने इधर से किसी कुंवारी कन्या को भागते हुए देखा? टिकट ब्लैक कर रही थी। हमने सोचा हमारी जिंदगी का थिएटर एकदम खाली पड़ा है, क्यों ना उसी से टिकट कटवा के दिल पर हाउसफुल का बोर्ड लगवा ले। लेकिन लेकिन वो सुहाग सिंह का सुहाग लूटकर भाग गई। आप किस कन्या की बात कर रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब। लगता तो आदमी है लेकिन है समझदार। आप कैसे समझेंगे, आप तो खुद किसी कन्याकुमारी के साथ कश्मीर का नक्शा बनाकर खड़े हुए हैं। लेकिन क्या जमाना आ गया है,
वो लड़की शादी से पहले शादी के बाद का टिकट ब्लैक कर रही थी। ये तो वो बात हुई, डोली पहले जा चुकी और बारात बाद में पहुंची। भाग के जाएगी कहाँ? अच्छा मैं चलता हूँ। अलविदा। ये बाहर निकल। साला फोकट में आप उनके पीछे पड़ा है, जब भी मिलता है शादी का ट्रैक चलाता है। लेकिन ये तो कह रहा था कि तुम टिकट ब्लैक करती हो। साला झूठ बोलता है। बोलने का बात ये कि आप उन शादी के बाद। शादी के बाद? हाँ हाँ हाँ, वो फिल्म का नाम है। आप उन देखने को गया था कि शादी के बाद क्या होता है, साला वो भी देखने को नहीं मिला। हाउसफुल था ना। ए तुमको मालूम शादी के बाद क्या होता है? मालूम है। अब मेरे से ज्यादा उल्टी सीधी बात मत कर। ए उल्टी सीधी बात नहीं है, आप उन फिल्म देखने से पहले पोस्टर से अंदाजा लगा लेता है कि थिएटर में घुसने का है या नहीं, यही शादी का बात है। खाली पीली जिंदगी में लफड़ा करने से कोई फायदा क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है? साला चला गया, आज फिर आपने उससे बिल का बात नहीं किया। आने दो, करेगा। अच्छा हुआ साला तुम आपन को यहाँ मिल गया। आपन के अड्डे पे जो तुमने तोड़फोड़ की थी ना, उसका बिल कौन देगा? चल पैसा निकाल। ए लड़की। लड़की नहीं बोला, आपन का नाम चमकी है। चमकी हो या धमकी, एक बात कान खुलकर सुन लो, तुम जैसी लड़कियों से बात करना भी मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। ए इज्जतदार, अपनी इज्जत अपने पास रख। आपन को सिर्फ पैसे से मतलब है क्या? तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ पैसे से ही मतलब हो सकता है? तुम पैसे के लिए क्या क्या नहीं करती? दारू बेचती हो, ब्लैक करती हो, और यहाँ तक कि औरतों के मंगलसूत्र भी गिरवी रखती हो। तुम्हें तो लड़की कहते हो मुझे शर्म आती है। कल तो तुम पैसों के लिए अपने आप को भी बेच सकती हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ हाँ, अपुन को सिर्फ पैसा मांगता है। क्यों मांगता है? देखना है तुमको। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। तुमने कुछ नहीं देखा साहब, आज अपुन तुमको दिखाएगा कि अपुन क्यों करता है और किसके लिए करता है। चलो अपुन के साथ। इसके लिए करता है, ये अपुन का माँ है। माँ? माँ? हाँ माँ, जो अपुन को इस दुनिया में लाया। आज साला इसको कैंसर है, अपने सिर्फ इसकी दवाई के वास्ते टिकट ब्लैक किया, दारू बेचा, लेकिन अपना शरीर नहीं बेचा साहब। इज्जत का पटरी छोड़कर जिंदगी का गाड़ी नहीं चलाया। तुम अपन की जगह होता तो क्या करता? छोड़ देता अपनी माँ को मरने के लिए? बोलो साहब बोलो, क्या करता? तुम तो साला मत बन के पैदा हुआ ना, इसलिए किसी को भी गाली दे सकता है, किसी के भी मुंह पर थूक सकता है। तुमको क्या मालूम औरत को दो टाइम की रोटी के वास्ते बार बार गेहूं की तरह चक्की में पिसना पड़ता है। बस करो चमकी, बस करो। मुझे नहीं मालूम था कि जो लड़की लोगों को उनका गम भुलाने के लिए शराब पिलाती है, वही लड़की खुद अपना गम भुलाने के लिए अपने आंसू पीती है। साहब तुमको तो खून निकल रहा है, बैठो बैठो। अरे चमकी, ये तो मुझे माफ कर दो चमकी। साला गाली भी देता है और माफ करने को ही बोलता है। साहब चमकी का जो दिल है ना, दिल बिल्कुल पानी का माफिक है, उसमें जैसा रंग मिलाएगा ना वैसे ही होगा। तुमने अपन को माफ करने को बोला, आप उन्हें तुमको माफ कर दिया, बात खलास। आगे भैया, अरे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो इसका मतलब पट्टी ऐसे ही बांध ली है? पट्टी मैंने नहीं, वो लड़की है ना। लड़की? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। चोट दिल पे लगी है और पट्टी हाथ में बांधी है। बड़ी कमाल की लेडी डॉक्टर है तुम्हारी, अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। क्यों भैया? तू अपना काम कर, चल चल। अरे अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बड़ी गागा साईं, हमारे पैसे वापस कर दो। नहीं, अगर तुम्हारा माल आ गया तो डीके उसे फिर लूट लेगा, और अगर मुझसे लेगा पंगा तो हमें वो कर देगा नंगा। हमें या तो माल दो या हमारा पैसा। हमें हमारा पैसा चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए। चाप। ओह माय गॉड, गागा के सामने आज तक किसी की खोलने की हिम्मत नहीं हुई। जबान बॉस। हाँ वही।
आप लोगों की जो हमने ली है वो आज शाम तक आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। रकम बॉस। हाँ रकम। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू बागा। थैंक यू। ये लोग तो चले गए मगर लगता आज शाम तक पैसे वापस कर नहीं पड़ेंगे। अगर मेरे डैडी को पता चला तो निकालो निकालो। चेकबुक बॉस चेकबुक। बैंक से पैसा लेके आओ। सुना बैंक से पैसा लेके आओ। हेलो डीके मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गोपाल गागा के आदमी बैंक से पैसा निकालने गए हैं। बैंक का नाम है अपना नाम तो बताइए। कहते हैं मुझको हवा हवाई। माफ मेरे को माफ करो बहन जी। अरे कहाँ चले मेरे जानी। अरे इधर तो आ। अरे कहाँ चले मेरे मन चले। आज तो इंसाफ होगा या तो मामला साफ होगा। हे भगवान ये क्या कर दिया। मिल गया हमको साथी मिल गया हमसे कोई जल गया। चला गया अपना काम तो हो गया। विकी हाँ? गाड़ी में बैग नहीं। क्या बैग नहीं है लेकिन अब क्या होगा। अच्छा अब समझा ये सब डीके की चाल है। रामजादो आज मुझे पता चला कि मैंने शेर नहीं कुत्ते पाल रखे हैं जो गली में लोगों के पीछे भौंक तो सकते हैं मगर उन्हें काट नहीं सकते। आज फिर वो हरामजादा डीके हमें ये कर गया वो कर गया तबाह कर गया बर्बाद कर गया। हरामजादे यही तो मैं भी कह रहा था। अगर कुछ दिन और इस तरह से चला तो हम तो सड़क पर मांगते हुए नजर आएंगे। मांगते हुए नजर आएंगे। ठीक बॉस। वही वही तुम में से ऐसा कोई भी सूरमा नहीं है जो उससे ले सके टक्कर बो। वही वही नाम है टाइगर। टाइगर मतलब शेर। क्यों आती है ना शर्म और तुम्हारा करम कुछ नहीं। ओ माय गॉड तुम क्यों हो गए नरम। पहलवान तुम कब हो गए गरम। ओ माय गॉड सबके सब हैं बेशरम बॉस। वही वही दरअसल कसूर हमारा है। हमने ये लंगड़े घोड़े रेस में दौड़ाए मगर अब नहीं। अब डीके की स्टोरी को मैं खुद खत्म कर दूंगा। अपना माल लेने मैं खुद जाऊंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं गागा सेठ। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो डीके से आपका माल बचा सकता है। अच्छा कौन है वो। उसका नाम धर्म है और वो पीछे वाली बस्ती में रहता है। हम उससे मिलना चाहेंगे मगर उससे पहले हम उसकी एक बार जरूर लेना चाहेंगे। इंटरव्यू गोपाल। वही 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 वही। ओह माय गॉड। अरे चमकी ये तो क्या बन गई है। न ठीक से सोती है न ठीक से खाती है। ये क्या रोग लगा लिया है तूने अपने आप को। अच्छी भली मटकती जवानी को हीर रांझा की कहानी बना दी तूने। मेरा भी रांझा आएगा जरूर आएगा
जरूर आएगा, जरूर आएगा। अरे तुम? हाँ मैं। ये लो फूल। फूल? खास तुम्हारे लिए। कैसे हैं? क्लास है। ये तो कुछ भी नहीं मेरी जान, तुम तो इन फूलों से कहीं ज्यादा अच्छी लगती हो। अपन के गली के छोकरे ना साले यही बोलता, लेकिन अपन को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? वो सब साला टपोरी है ना। तुम अपन को बोला, अपन को अच्छा लगा। क्यों? जब अपन किसी को अपना समझता ना तो अपन को उसका हर बात अच्छा लगता है। तो डार्लिंग फिर इतनी दूरी क्यों? लेकिन अपन को शर्म आता है। इसमें शर्म की क्या बात है? हीर अपने रांझे से, सोहनी अपने महिवाल से कभी दूर रहे क्या? नहीं ना। हैरानी कैसी ये उम्र ही है ऐसी जिसको
को चाहे दीवाना बना दे। हाँ मैं, ये कुछ दवाइयाँ तुम्हारी माँ के लिए। लेकिन फूल कहाँ है? फूल? साला, फूल तो लेकर आया ही नहीं। क्या कहा? वो ये कि फूल क्लास है। लेकिन मेरे पास तो कोई फूल नहीं। नहीं है तो क्या हुआ? ये अपुन का ही बनाया हुआ ट्रैक है। तुमने अपुन को नहीं बोला? अपुन फूलों से ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ? हाँ? अब मैंने तो ये नहीं बोला। तुम नहीं बोलेगा तो अपुन बोलेगा। वैसे अपन के गले की जो छोकरे ना, वो भी यही छोते, लेकिन अपन को अच्छा नहीं लगता। पूछो क्यों? क्यों? वो सब साला टपोरी है ना, तुमने अपन को बोला, अपन को अच्छा लगा। उफ, ओ, लेकिन मैं ये सब कब बोल रहा हूँ? मेरी जानी, तुम्हारी तब से अपन बोलेगा। तुम बोलेगा डार्लिंग, इतनी दूर से लाइन काय को मारता है, पास आओ ना। लेकिन कितना शर्म का बात है। नहीं फिर तुम बोलेगा अरे इसमें शर्मा लेगा काय को। हीर अपने रांझा से दो चार लाइन मारने वाले दूर नहीं रहते। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो? हा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं अब ये पकड़ो। हा? हा? जरा सुनो तो। हा? सब उल्टा हो गया। धर्म भैया, क्या हुआ? आपके बाबा का गुंडों ने पकड़ लिया। कहा? वो जो रास्ते ऊपर जाता वहाँ फंस गया साला। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये दाल हमने खुद मिलकर बनाई है। अकेला नहीं, मालूम है कि पूरा का पूरा खानदान लेकर आए हो। अगर कोई घर में रह गया हो तो उसे भी बुला लाओ, नहीं तो उसके दिल में अरमान रह जाएगा कि उसे काली दाल नहीं मिली। काली दाल क्यों? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी के छह छक्के बाउंड्री के बाहर।
गोपाल ने ठीक ही कहा था। इतने अच्छे तरीके से कर रहा है फाइट बॉस। वही वही लगता है तेरी जिंदगी में खाना खाना कम मार खाना ज्यादा लिखा है छक्के। तुम्हारे बारे में हमने जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा हमने देख लिया। क्या हम तुम्हारा थोड़ा सा ले सकते हैं? वक्त बॉस। हाँ वही। हमारा नाम गागा सेठ है। तुम्हारा नाम धर्म है? नाम से क्या करना है, काम की बात करिए। जिन लोगों की अभी तुमने धुलाई की वो हमारे आदमी थे। हमने उनको लेने के लिए भेजा था। ट्रायल बॉस। हाँ वही। मैं भी ट्रायल ही दे रहा था। कभी पूरी पिक्चर देखनी हो तो कह देना, कैसेट घर भिजवा दूंगा। ओह माय गॉड, हमें अपनी लाइब्रेरी चलाने के लिए तुम्हारे जैसे ही मास्टर प्रिंट की जरूरत है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं एक किसी पीडी कैसेट इसके जैसी और मास्टर प्रिंट में जमीन आसमान का होता है होता है फरक बॉस। हाँ वही। और जमीन से आसमान तक की दूरी को दूर करने के लिए धर्म ने सिर्फ नोटों की सीढ़ी का सहारा लिया है। आप बताइए आपको इस मास्टर प्रिंट की जरूरत क्यों है? सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी बातें यहां नहीं की जाती। तो फिर कहां? यहां ना तो कोई दीवार है और ना किसी का वो है कान बॉस। हाँ वही। फैक्ट यह है कि हमारा स्मगलिंग का धंधा है। हाँ वही। लेकिन बात यह है, हमारा जो स्मगलिंग का धंधा है उसमें आजकल बड़ा मंदा है। जब भी हमारा माल आता है या तो पुलिस पकड़ लेती है या डी के नाम का एक शैतान उसे लूट लेता है। अगर तुम हमारा माल इन दोनों से बचा दो तो हम तुम्हें उसकी वो देंगे कीमत बॉस। हाँ वही। आज के बाद आपका माल आप तक पहुंचाना मेरा काम है और मेरी कीमत मुझ तक पहुंचाना आपका काम है। मेरी कीमत रहेगी 51%। 51%? ओह माय गॉड। हाँ वही। मिस्टर गागा, जो आदमी सेब खाता है वो टमाटर नहीं खा सकता। उसूलों की डायरी में धर्म का सबसे पहला उसूल ये है कि वो जिसके लिए काम करता है उसे 2% ज्यादा लेता है। अगर तुम्हें मेरा उसूल पसंद हो तो हाथ आगे बढ़ाओ, वरना अगर धर्म का हाथ पीछे हट गया तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ओह माय गॉड, हम तुमसे अपना जरूर मिलाएंगे हाथ बॉस। हाँ वही। ओह माय गॉड, आई आई, क्या सुहाना सफर था, ऊंट का सफर। बॉस, क्या राजस्थान में सब इसी तरह चलते हैं? अच्छा अच्छा बॉस, बड़ी देर से मेरी समझदानी में एक छोटी सी बात कुश्ती खेल रही, कबड्डी खेल रही, वो ये कि सारा माल आपका, उसमें से 51% उसका, उसका उल्लू का। हाँ वही। उल्लू वो नहीं, उल्लू तुम हो। थैंक यू। उल्लू ही नहीं, गधे हो, उल्लू के पट्टे हो, उल्लू के चरखे हो। वो कैसे बॉस? वो ऐसे, हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो अवेलेबल भी हो और सेलेबल भी हो। ठीक ठीक। हमारा माल आ रहा है ये खबर पुलिस को मिल चुकी है। ठीक। हमारा माल या तो पुलिस ले जाएगी वरना डीके लूट लेगा। ठीक। अगर धर्म इन दोनों से हमारा माल बचा कर ले आता है तो हमें तो 49% का वो है प्रॉफिट बॉस। वही। ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास भी वो है। दिमाग बॉस, दिमाग। वही। ओह माय गॉड। हेलो इंस्पेक्टर बिसेहर, क्या कहा? सोना लेकर जा रहा है? गाड़ी का नंबर क्या है?
और नो। उस टैक्सी वाले ने कहा कि हम चारों टैक्सियों के बीच रेस लग रही थी और तुमने मान लिया। बहुत अच्छे। और फिर चारों टैक्सियों का नंबर भी एक जैसा 5149। नहीं इंस्पेक्टर बिसे, बात दरअसल यह है कि उस वक्त मुजरिम का दिमाग 51% काम कर रहा था और तुम्हारा 49%, और इसी 2% के डिफरेंस की वजह से तुम एक मुजरिम को नहीं पकड़ सके। आई एम सॉरी सर। वेल इंस्पेक्टर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यू मे गो नाउ। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। देखो देखो हरामजादो, देखो तुम सबके मुंह पे इस धर्म ने थूक दिया है। चलो बर पानी में जाके डूब मरो। टीके से लुटते लुटते हम तो हो गए थे कंगाल बॉस। हाँ वही धर्म। गुड, वेरी गुड। हम तुम्हारे काम से 100% खुश हुए, मगर मेरा 51%। 51%? ओह माय गॉड। अरे एक बात बताना तो हम भूल ही गए। कोई भी आदमी अगर हमसे हमारे काम का दाम अपनी औकात से बढ़कर मांगता है तो हम उसे किसी काम का नहीं रहने देते हैं। इसे लोग रिवॉल्वर कहते हैं। इसके अंदर गोलियां भरी जाती हैं, और अब ये गोलियां मैं तुम्हारी खोपड़ी में खाली कर दूं तो? गोली चलानी है तो शौक से चलाओ, मगर एक बात सुन लो गागा, जो दुकानदार खुद ही अपने ग्राहक का दुश्मन हो वो दुकान कभी भी बंद हो सकती है। सोच लो, तुम्हें अपनी दुकान बंद करनी है या खोलनी है? बस खोलनी है। वही। ओह माय गॉड, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम ले सकते हो अपना हिस्सा बॉस। हाँ वही, मैं भी मजाक ही कर रहा था, क्योंकि मैं अपना हिस्सा पहले निकाल चुका हूं 51%। और हाँ एक बात याद रखना गागा, आइंदा जिंदगी में मेरे साथ वही मजाक करना जो सिर्फ मजाक ही हो। गुड बाय। ओह माय गॉड, ये तो मजाक मजाक में होने वाला था, बहुत बड़ा मजाक बॉस। हाँ वही, आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार मालूम पड़ता है, लेकिन वो नहीं जानता हम होशियार भी हैं और खतरनाक भी। गागा सेठ, लंदन से आपके डैडी का कॉल है। ओह माय गॉड, डैडी? हाँ। हेलो डैड। How are you, my son? I am fine, Dad. आप कब आ रहे हैं? बेटा मैं परसों की फ्लाइट से आ रहा हूँ। Oh, that's good, Dad. That's very good. Okay, good night. Okay, good night. Bye, sweet dreams. Oh, darling. Oh my God. Oh, oh. जब भी मेरा मूड जरा सेक्सी होता है तभी बज जाती है घंटी डार्लिंग। हाँ भाई। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। बको। सॉरी बॉस, वो क्या है कि वो कहा गया, धर्म मिलने आया है आपसे। कौन वो धर्म है? उसको जरा बिठाओ डार्लिंग। हाँ वही डार्लिंग। डार्लिंग तुम्हें नहीं, गधे, बिठाओ उसको। अच्छा बॉस, ओके बॉस, ओके। डार्लिंग, लड़की और लड़ाई के मामले में हमारा क्लाइमैक्स हमेशा गड़बड़ा जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम जरा बिजनेस करके आते हैं, तुम अपनी जवानी संभाल के रखना, हम आके करते हैं। प्यार डार्लिंग। प्यार, वही वही। आओ आओ धर्म, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि सेठ हीरा लाल सिंगापुर से 50 लाख के हीरे लेकर आ पहुंचा है। तुम्हें उन हीरों की लेनी है। डिलीवरी बॉस। हाँ वही। गोपाल, ये लो आधा, सेठ हीरा लाल के आधे से मिला। नक्शा बॉस। हाँ वही। ओह माय गॉड, अगर ये काम हो जाए तो हमारी पांचों उंगलियां होंगी घी में और सर होगा उसमें कढ़ाई में बॉस। हाँ वही।
मगर वो सेठ हीरालाल मिलेगा कहाँ? कहाँ? होटल टिप टॉप, रूम नंबर 202, ऑल द बेस्ट। होटल टिप टॉप, रूम नंबर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। हीरे कहाँ हैं? माल कहाँ है? थैंक यू, वेलकम। हीरे कहाँ हैं? कौन से हीरे? मेरे पास कोई हीरे नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। सौक सिंह, इनकी तलाशी लो। यस सर। ले लीजिए। रुक जाओ। छोड़ गया। भाग गया साला। भाग तो गया सौक सिंह, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ये तो है। एक चीज तो हमारे हाथ आई ना। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये हीरे नकली हैं। व्हाट? जी हाँ, ये हीरे वाकई नकली हैं। अगर ये हीरे नकली हैं तो फिर असली कहाँ है? ये रहे असली हीरे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुमने तो वाकई साबित कर दिया है कि तुम एकदम वो इस बार का बॉस। हाँ वही। तुम्हारे इस काम से खुश होके आज हम तुम्हें एक ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिससे मिलने के लिए हमारे गैंग का हर मेंबर तरसता है। ओह माय गॉड, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें मिल रहा है मौका बॉस। हाँ वही। लेकिन ये हस्ती है कौन? वो महान हस्ती हम हैं, क्योंकि बच्चा बाद में पैदा होता है, हमें पहले पता चल जाता है, जैसे तेरे बारे में। मुझे माफ कर दो बॉस, जिंदगी में ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। तुम तो गलती नहीं करोगे, लेकिन हम जब एक बार अपनी रिवॉल्वर में गोलियां भर लेते हैं तो गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि हमारा नाम है कोका, हम जो चाहेंगे वही होगा। डैड, आप जरा इससे मिलिए, हम जरा पीटर से माल का वो करके। सौदा बॉस। हाँ वही, तुम मेरे साथ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम धर्म है। और? हमारा नाम है गोगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम ही मेरे मां बाप के कातिल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शूट दिस बास्टर्ड। नहीं, नहीं। क्या बात है बरखुरदार, हमें देखकर पसीने छूट गए? वैसे भी हमें देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं, तुम क्या चीज हो? मैं वो चीज हूं जो जोश में आकर भी अपने होश नहीं खोता, वरना आपको मेरे पसीने में किसी का खून खोलता नजर जरूर आता। बरखुरदार, दूध पीती जवानी में ज्यादा खून खौलाना अच्छी आदत नहीं।
अगर खून गर्म हो तो दिमाग ठंडा रखना चाहिए। आग पे रखा हुआ पानी कभी ठंडा नहीं होता। लगता है तुम्हारे दिल में कोई आग लगी हुई है, जबान से शोले बरस रहे हैं। और वक्त आने पर ये शोले किसी को जला भी सकते हैं। वक्त आने पर हमें जरूर याद कर लेना, हो सकता है इन शोलों को हवा देने में हम तुम्हारी मदद कर सकें। ये क्या है? इसमें कुछ रुपए हैं। तुमने हमारे लिए काफी पसीना बहाया है, ये नोट तुम्हारा पसीना पोंछने के काम आएंगे। लेकिन मैं तो, हम जानते हैं कि तुम अपना हिस्सा पहले निकाल लेते हो, लेकिन हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं कि जीती हुई बाजी की रकम का एक हिस्सा हम छोड़ देते हैं। और ये वही जीती हुई बाजी का एक हिस्सा है, इसे हमारी मुंह दिखाई का इनाम समझ के रख लो। वैसे तो मुझे इस इनाम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो आपको देखकर मुझे मिल गया है। गुड बाय। बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर बिसे है। एक आदमी जिसका नाम धर्म है, 2 लाख रुपए के नकली नोट लेकर अपनी गाड़ी में जा रहा है। क्या कहा, जाली नोट? गाड़ी का नंबर क्या है? MMY 2816। ओके, थैंक यू वेरी मच। डैड, ये आपने क्या किया? धर्म हमारे इतने काम का आदमी है और आपने जानबूझकर उसे फंसा दिया? हाँ, मैंने जानबूझकर धर्म को नकली नोट दिए हैं ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? गागा, ये दोनों हमारे खास आदमी हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है कि उन लोगों पर नजर रखें जिनकी बुरी नजर हम पर होती है। और गोपाल इनकी नजरों में आ गया। इन्होंने गोपाल को दुनिया की नजरों से दूर कर दिया। ओह माय गॉड, क्या बात करते हैं डैड। गोपाल तो हमारा बड़ा वफादार आदमी था। वफादार नहीं, गद्दार कहो, गद्दार। क्योंकि गोपाल ही जानता था कि डीके का दूसरा नाम धर्म है। एक ही तस्वीर के दो रुख। जिस तरह तुमने धर्म को खरीद रखा था, उसी तरह धर्म ने गोपाल को खरीद रखा था। जिस दिन हमको ये पता चला, उस दिन हमारे आदमियों ने, ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि मैंने बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए रख लिया था। इसीलिए हमने उसे नकली नोट देकर उस बिल्ली के पैरों में जंजीरें डाल दी हैं, ताकि उसके कदम हमेशा के लिए रुक जाए। आपका नाम? मेरा नाम धर्म है। ओह धर्म, हमें खबर मिली है कि आपके पास 2 लाख के नकली नोट हैं, और हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हैं। हवलदार जी, तलाशी लो। ये सर। सर, ये रहे नोट। जी हाँ, ये वो नकली नोट है जिन्हें आप असली समझ रहे हैं। नकली नोट? जी हाँ, नकली नोट। और धर्म के पास? और मैं आपको नकली नोट रखने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चलिए मेरे साथ। गिर पड़ते। तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सहारा भी मिला और वो फिर भी गिर गए। अरे बाबा, ये छड़ी तो टूट गई।
हाँ बेटी, ये छड़ी तो फिर भी अच्छी है जो मुझे घर पहुंचा कर टूटी। अगर रास्ते में टूट जाती तो मैं किसका सहारा लेता? जो बेजान सहारे होते हैं वो रास्ते में ही टूट जाते हैं। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। काश तुम्हें समझाने से पहले मैं खुद ये समझ जाता। क्या समझ जाते बाबा? यही कि खंडहर में दिवाली के दीप नहीं जला करते। मैंने जलाने की कोशिश की लेकिन अपने हाथ जला बैठा। साफ साफ बताओ ना बाबा, आखिर बात क्या है? अगर तू सुनना ही चाहती तो सुन। धर्म जिसे तू अपना भाई समझती है एक मुजरिम है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? भैया और मुजरिम? हाँ, मुजरिम ना किसी का भाई होता है ना किसी का बेटा। मेरी नजरों के सामने नकली नोट रखने के जुर्म में पुलिस आज उसे पकड़ कर ले गई है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है और आज के बाद वो ना तेरा भाई है ना मेरा बेटा। नहीं बाबा। सर, ये मुजरिम जो नकली नोटों के केस में पकड़ा गया है, मुझे लगता है कि उन हीरों के केस में भी इन्वॉल्व है। वो कैसे? वो इस तरह सर कि जिस दिन वो हीरे मेरे हाथ लगे उस दिन मुझे इस मुजरिम की वहां एक हल्की सी झलक दिखाई दी। मुझे शक है सर कि मुजरिम किसी खतरनाक गैंग के लिए काम करता है। और उस गैंग तक कैसे पहुंचना है, क्या यह तरीका भी मुझे बताना पड़ेगा? नो सर, वो तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूं। बता बता हरामजादे, बता हरामजादे, बता तू किसके लिए काम करता है, वरना मार मार के तेरे बाजू इन कंधों से अलग कर दूंगा। इंस्पेक्टर, ये कंधे नहीं मजबूत दीवार है जिस पे एक वफादार इंस्पेक्टर के खून के छींटे गवाह बनकर खड़े हैं। तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे मगर ये दीवार नहीं टूटेगी। दीवार नहीं टूटेगी मगर हरामजादे तेरी हड्डियां तो टूट सकती हैं। जवान खान, इंस्पेक्टर तुम मुझे जितना ही मारते जाओगे तुम उतने ही कमजोर होते जाओगे और मैं मजबूत। ये जिस्म लोहे का बना है। ओ शट अप! सर, सर, वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। लगता है सर उसका जिस्म लोहे का बना है सर, जिस पर किसी किस्म की मार का असर नहीं होता है सर। ऐसे मुजरिमों की जबान अगर मार से नहीं खुलती तो फिर सिर्फ प्यार से खुल सकती है। विषय, तुम उसे यहां ले आओ। ओके सर। चलो, साहब ने तुम्हें बुलाया है। सर, इसे अंदर लाओ। आओ धर्म, कैसे हो? काफी गहरी चोट है। हाँ कमिश्नर साहब, बहुत गहरी चोट है। बचपन में लगी थी, अभी तक नहीं भरी। देखो बरखुरदार, इस दुनिया की यही रीत है, ये खुद कभी चोट नहीं खाती बल्कि चोट खाने के लिए तुम जैसे किसी शरीफ आदमी को आगे बढ़ा देती है। और वो पीछे बैठे हुए असली गुनहगार वो कभी मरहम नहीं लगाते बल्कि तुम जैसों को हथकड़ियां लगवाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा शहरी होने के नाते हमें उन लोगों का पता बताओ जिनके लिए तुम काम करते हो या जिनके साथ तुम काम करते हो। कमिश्नर साहब, आज से 15 साल पहले जब आप इंस्पेक्टर थे आपको शायद याद होगा कि इसी तरह का सवाल आपने एक मासूम बच्चे से किया था जो अपने माँ बाप की चिता पर आंसू बहा रहा था, और आज भी आप उसी तरह का सवाल पूछ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आप तस्वीरें दिखाकर पूछ रहे थे और आज तस्वीरों के बिना पूछ रहे हैं। लेकिन जो जवाब आपको उस वक्त उस बच्चे ने दिया था आज भी आपको वही जवाब मिलेगा, क्योंकि वो बदकिस्मत बच्चा मैं हूं। क्या? बचपन से जवानी तक किस्मत ने इतना मारा है कि आपकी मार उस मार के सामने कुछ भी नहीं है कमिश्नर साहब, कुछ भी नहीं। तुम्हारी याददाश्त की ना अगर हां में बदल जाती तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। मेरा अच्छा हो या ना हो कमिश्नर साहब मैं ये तो नहीं जानता, मगर उनका कितना बुरा होगा
मैं ये जरूर जानता हूं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जा सकते हो धर्म। लेकिन सर वो उसका जोश देखकर तुम अपना होश मत गंवाओ। छत पर पहुंचने के लिए जिस तरह सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बड़े मुजरमों को पकड़ने के लिए कभी कभी छोटे मुजरमों को छोड़ना पड़ता है। खेल का मजा तो अब आएगा इंस्पेक्टर, ये होगा उनके पीछे और हम होंगे इसके पीछे। ये धर्म के वहां जाने की खुशी में वहां अंदर बॉस। हाँ वही अंदर। लीजिए बॉस, ये देसी मुर्गी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। अच्छा? यस बॉस। क्या बात है, आज कुत्ता अपने पिल्लों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। ओ माय गॉड, ये कुत्ते कहां से आ गए, मेरे आदमी कहां गए? ये आ गए वापस। ओ बैठ कर खाओ, किसी ने कहा है जब कुत्ता खा रहा हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। धर्मम, चिल्लाओ मत वरना गले में हड्डी अटक जाएगी। ओ माय गॉड, यू सी धर्म, मेरे गले की हड्डी के बारे में सोचने से पहले तुम जरा अपनी हड्डियों के बारे में सोचो, जो थोड़ी देर में जब थोड़ी देर में वाली है, टूटने वाली है। हाँ वही। मैं जानता हूं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, मगर शेर हर गली में शेर होता है। गॉड ये अब तो मैं तुम्हारी बजा दूंगा। बीन बॉस बीन। वही। सारा अमजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस, देखिए गोलियां खत्म हो गई है और आज का दिन भी ठीक नहीं है। बड़ों का कहना है कि जिस इलाके में मार पड़ने के ब्राइट चांसेस हो, वहां से जान बचाकर उस गली से निकलना चाहिए, उस गली से निकलना चाहिए, उस गली। पतली गली से? हाँ वही। तो फिर चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। यह अलग बात है कि आजकल के हरामजादे बेटे अपने बाप की आवाज नहीं पहचानते। तुमने मुझे नकली नोट देकर अंदर तो भिजवा दिया था और मैं बाहर भी आ गया, मगर एक बात याद रखना, ये धर्म का वादा है कि अब जहां मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा वहां से तुम जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकोगे। धर्म उर्फ टीके, तुम्हारी असलियत तो हम बहुत पहले से जान गए थे। गोपाल को तो हमने ऊपर पहुंचा दिया, रहा सवाल तुम्हारा तो सुनो, तुम जैसे लोग हमेशा ये दावा करते हैं कि हम शेर को मार देंगे, शेर को मार सकते हैं, लेकिन जब शेर के सामने आते हैं तो डर के खुद बहुत मर जाते हैं।
हम इंतजार करेंगे कि तुम इस शेर के सामने कब आते हो। बेस्ट ऑफ लक। लगता है शेर की जबान कुत्ते की समझ में नहीं आई है? अबे डैडी, मैं कुत्ता नहीं आपका बेटा बोल रहा हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे मैं घबराया हुआ लग नहीं रहा हूँ, वाकई घबराया हुआ हूँ। धर्म जेल से वापस आ गया और उसने हमारे आदमियों को ऐसे धोया है जैसे कोई कपड़े धोता है बॉस, कपड़े। हाँ, वही। तुम घबराओ नहीं काका, लगता है धर्म ने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं किया जो हमारे हाथों से मरना चाहता है। और हेलो, फोन कैसे कट गया? हाँ बोलो बेटा। बेटा नहीं कुत्ते, मैं तुम्हारा वही बाप बोल रहा हूं। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था कि आज के बाद तुम्हें चैन की नींद तो क्या, हराम की नींद भी नहीं सोने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी रातों की नींदें मेरे पास गिरवी पड़ी हैं। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें नींद आए। हमने ये कहावत तो सुनी थी कि आ बैल मुझे मार, लेकिन हम नहीं मानते थे, लेकिन आज हम मानने लगे हैं, क्योंकि अभी अभी हमें किसी ने फोन पे कहा है कि आ बैल मुझे मार, और उस शख्स का नाम है धर्म। वो तुम लोगों को जहां भी नजर आए उसे ऐसे गोली मार दो जैसे पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है। हमारा नाम है कोका, हम जो चाहेंगे वही होगा। धर्म, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा बहुत जल्द बंद होने वाला है। बाबा, कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो? बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, मैं हूं आपका बेटा धर्म। धर्म? कौन सा धर्म? वो धर्म जो रात के अंधेरे में अपने बूढ़े बाप के आदर्शों पर पाप की कालिक पोत रहा, वो धर्म जो नोटों के लिए अपने आप को बेच चुका है। कौन से धर्म की बात कर रहे हो तुम, जो मेरी नजरों में जलील हो चुका है, गिर चुका है? बोलो, जवाब दो। आपका बेटा बाबा। बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पुलिस नकली नोट रखने के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई थी। इस घर के दरवाजे एक बेटे के लिए खुले थे, मुजरिम के लिए नहीं। मुझे बाप कहने का हक तुम खो चुके हो और तुम्हें बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर तो मेरा था कि मैं एक भूखे बच्चे को उसकी भूख मिटाने के लिए अपने घर में ले आया। कसूर तो मेरा था कि एक मासूम बच्चे को मैंने अपना बेटा बनाया। कसूर तो मेरा था कि जिस बच्चे को मैं एक नेक इंसान बनाना चाहता था वो मुजरिम बन गया। लेकिन वो मुजरिम कैसे बना, क्या आप जानते बाबा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हाथों की लकीरें मिटा देने से किस्मत नहीं बदली जा सकती। कानून ने मुजरिम नाम की मोहर जो तुम्हारे माथे पर लगाई है, तुम अगर उसे अपने खून से भी धोना चाहो तो नहीं धो सकते। भैया, तुम छोड़ दे ये हाथ बेटी। ये हाथ वो नहीं जिन पे तू राखी बांधा करती थी। इन हाथों पे तो अब हथकड़ियों के निशान है। मेरी बात तो सुनो बाबा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। ये मैं नहीं, वो चोट बोल रही है जो इस दिल पर लगी है। अरे, एक बूढ़े के शरीर पर जख्म करके तूने अच्छा नहीं किया। चले जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल मेरे हर जख्म पर कोड़े बरसा रही है। जाओ, चले जाओ। और हां, एक बात और सुनते जाओ, अगर मैं कभी मर भी गया तो मेरी चिता पर दो आंसू बहाने के लिए तुम कभी मत आना। बाबा जाओ, चले जाओ।
जाने दे बेटी। गंदी नाली के कीड़े सिर्फ गंदगी में ही पल सकते हैं। बस करो धर्म, बस करो। और कितनी पियोगे? होश में आओ, होश में आओ। होश में आने के लिए ही तो पी रहा हूं मैं, वरना सारी जिंदगी तो बेहोशी में गुजार दी है मैंने। आज अगर पी के होश में आना चाहता हूं मैं, तो होश में आने तो मुझे। तुम नहीं जानती, मैं जिंदगी को बूंद बूंद करके एक ऐसी बोतल में जमा करता रहा जिसमें मेरे बाप का प्यार था, मां का प्यार था, बहन का प्यार था। वक्त ने एक ऐसा हाथ मारा कि वो बोतल गिरी, टूटी और मेरा सब कुछ बिखर गया। अब मेरी जिंदगी इसी बोतल की तरह है जिसमें ना कुछ भरा जा सकता है और ना कुछ निकाला जा सकता है। आप उन्हें तेरे साथ, आप उन भरेगा उसमें प्यार? नहीं नहीं चमकी, नहीं, टूटी हुई बोतल को हाथ मत लगाओ, वरना तुम भी सर से पांव तक जख्मी हो जाओगी मेरी तरह। मेरी जगह और कोई होता तो कब का मर गया होता। मैं ही वो बदकिस्मत हूं जो अब तक जिंदा हूं। बचपन में देखकर भी कि मेरे बाप को मेरे कंधों पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई, वो मर गया। और जब मेरी मां उसको बचाने के लिए भागी तो उन्होंने मेरी मां को भी मार डाला। सिर्फ मैं जिंदा रह गया उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने मेरे मां बाप को मारा था। और आज भी मैं उस जगह जाता हूं सिर्फ उस पाप और उस काले धंधे को ढूंढने के लिए। वो बाबा मेरा बाबा, उसने मुझे गलत समझ लिया। नकली नोटों के इल्जाम में गिरफ्तार होते हुए उसने मुझे उस जगह देख लिया, लेकिन उसने मुझसे मेरी असलियत पूछने की कभी कोशिश नहीं की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन धर्म, धर्म धर्म नहीं, अब मुझे यतीम कहो, यतीम। नहीं, मैं नहीं जानता था कि बचपन में एक बार यतीम हो जाने के बाद जवानी में एक बार फिर यतीम होना पड़ेगा। और वो बाबा, वो मुझे कहता कि मेरे मर जाने के बाद मेरी चिता पर आकर आंसू मत बहाना। अरे कौन कमबख्त है, कौन किसी परा पर आंसू बहाएगा, कौन किसी। जब मैं नहीं रो रहा हूं तो तू क्यों रो रही है? तेरे पास दुख का इतना स्टॉक है कि अपन के पास दारू का भी नहीं। तू अकेला नहीं है धर्म, अपन तेरे साथ है, अपन तेरे साथ है धर्म। कोई किसी के साथ नहीं है, सब अकेले हैं, सब अकेले हैं, सब अकेले हैं। नहीं धर्म, सब अकेले, धर्म मैं अकेला हूं, सब अकेले, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। कहीं चांद तड़पा
तक मुझे कोई याद आ रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ रहा है। ये दिल मुझके भी क्यों जला जा रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ रहा है। अभी तक मुझे कोई याद तक मुझे कोई याद आ रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ रहा है। ये दिल बुझ के भी क्यों जला जा रहा है। अभी तक मुझे कोई याद आ
जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है, चलो। सुना है जब कोई बच्चा बार बार एक ही क्लास में फेल होता है तो उसके घर वाले उसे क्लास से बाहर निकलवा लेते हैं, या फिर हेडमास्टर उसे निकाल देता है ताकि स्कूल का नाम बदनाम ना हो। इस बार तो मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूं। अगर तुम्हें सोचना है कि तुम्हें ठीक तरह से पढ़ाई करनी है या ये हेडमास्टर तुम लोगों को स्कूल से बाहर निकालते हैं, सोच लो। कौन हो तुम? अपुन का नाम चमकी है। तुम्हारा बेटी जानता है कि अपुन धर्म का कौन है? हाँ बाबा, वो अपना धर्म भैया है ना, ये उनकी वो। यहाँ क्या लेने आई हो? अपुन को देने वाला ऊपर वाला बैठा है, तुम अपुन को क्या देगा? अरे तुम नीचा वाला लोग जब अपने बेटे को कुछ नहीं दे सका तो किसी और को क्या देगा? अरे लोग तो घर में कुत्ते बिल्ली को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, और तुमने एक इंसान के बच्चे को उसको बेटा बनाया, उसको पाला और फिर घर से निकाल दिया। हाँ हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया, उसका मेरा आप कोई रिश्ता नहीं। मगर तुम कौन होती हो हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? क्योंकि धर्म ही अपुन का सब कुछ है, उसको कुछ होता है साला अपुन का दिल दुखता है। तुम उसका बाप है ना, तुमको मालूम वो मुजरिम क्यों बना, क्यों नकली नोटों के इल्जाम में फंसा? उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसको जानबूझकर फंसाया गया। तुमको मालूम उसके बाप को बचपन में उसी के कंधे पर खड़ा करके उसे फांसी लगा दिया गया। धर्म अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए हर उस जगह जाने लगा जहाँ गलत धंधे होते हैं, और उन लोगों ने नकली नोटों के इल्जाम में उसे पकड़वा दिया। वो साला ये अपुन को दारू के नशे में डोरो की बताता रहा, और तुम लोग उसका बात सुने बगैर उसको कुत्ता का माफिक घर से निकाल दिया। ये दुख का बोझ लेकर के अपुन के अड्डे से निकला, अपुन उसको बहुत रुका पर साला अपुन का बात नहीं माना। अच्छा होता कि वो रुक जाता, अब वो क्या हुआ मेरे बेटे को, कहाँ है वो? चमकी बोल, क्या हुआ मेरे भैया को? वो अस्पताल में। क्या? कुछ गुंडों ने उसे बहुत पीटा है, उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे उसके पास ले चल, कसूर मेरा था और सजा धर्म को मिली। चल बेटी, मुझे उसके पास ले चल। धर्म, धर्म मेरे बेटे, मेरा कोई कसूर नहीं है बाबा, बचपन में ही जालिमों ने मेरे माँ बाप को मार दिया, उन्होंने मुझे नकली नोट के। मुझे सब मालूम है बेटा, मगर मैं ये नहीं जानता था कि जिसकी जिंदगी में इतनी रोशनी है उसके दिल में कितना अंधेरा है, उसके दिल में गम का कितना बड़ा बोझ है। मैंने तुझे घर से निकाल दिया, बेटे अपने बाबा की एक बात मानेगा, अब तो जल्दी से अच्छा हो जा और वापस घर आ जा, घर आ जा। अच्छा बेटे, अब मैं चलता हूं। इसका ख्याल रखना। जी। चमकी, तुमने मेरी जान बचा कर। ये जान तुम्हारा नहीं है धर्म, साला अपुन का भी है। गागा सेठ, आपकी पसंद की ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊंची है। हमारी नजरों में तो ये एक नंबर की वो है, वो फुलझड़ी बोस। हाँ वही, अभी थोड़ी देर में हम इसमें आग लगाएंगे तो ये इधर से उधर
उधर से इधर करती हुई नजर आएगी। तीड़ 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 बहुत तीड़ तीड़। हाँ वही वही। ओह माय गॉड। लेकिन ये तीड़ तीड़ तुम नहीं देख सकोगे। क्यों बॉस? क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो, आधी मूछ वाले हो, इसलिए तुम जल्दी से वो हो जाओ। वो गेट आउट बॉस, गेट आउट। हाँ वही। सामने तुम हो, हाथों में जाम है। बस अब तो हमें एक ही काम है, इस कड़वी चीज को अपने खूबसूरत होठों से लगा दो तो एकदम से वो हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। मीठी बॉस। हाँ वही वही वही। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जान कट ले बेमना, हाय वे मेरी बांह जी। जान कट ले बेमना, हाय वे मेरी बांह के। ना जाने मेरी अंग अंग में आए, ना जाने मेरी अंग अंग में आए, ये कैसी बिजली सी कड़के। I'm gonna make it.
नाम तुम्हारा है गोगा, लेकिन अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। तुम्हें माल खरीदने का बहुत शौक है ना? मैंने माल डिस्पैच कर दिया है, फोन पे बिल्टी दे रहा हूं, जरा उठ के डिलीवरी ले लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारा नाम है गोगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। हमें माफ कर दीजिए गोगा सेठ, तुम लोगों को कितने साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए, और इतना भी नहीं पता कि इस माफी शब्द से हमें कितनी नफरत है। लेकिन कसूर तुम लोगों का नहीं, कसूर उसका है जिसने हमें ये शब्द सुनने के लिए मजबूर किया है। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी दुखती रग न हो, जिस पे हाथ रखो और न चिल्लाए। धर्म की भी कोई ना कोई दुखती रग जरूर होगी, हम उस पे हाथ रखेंगे वो चिल्लाएगा, हम उस पे हाथ रखेंगे वो चिल्लाएगा। हमारा नाम है गोगा, और वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। और मेरे लिए भी आज का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि आपने मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार किया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप भी शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा आओ बेटा। पूजा बेटी जी, अब तो बहुत जल्द पराई हो जाएगी। इतने परसों का साथ तेरी डोली जाने के बाद खत्म हो जाएगा। बाबा, रिश्ते की डोर डोली जाने के बाद क्या टूट जाती है? मैं जहां भी जाऊंगी, भैया का प्यार और आपका आशीर्वाद मुझसे कभी जुदा नहीं होगा। अभी से रोना शुरू कर देगी तो डोली जाने के वक्त कौन रोएगा? क्या मैं रोऊंगा? नहीं, अब ये रोना बंद करो और शादी की तैयारी के बारे में सोचो। ये धर्म भी आज पता नहीं कहां चला गया, इतने काम करने हैं। एक काम करता हूं कि मैं कार्ड्स छपने का ऑर्डर आज ही दे देता हूं, क्योंकि बांटने में भी तो वक्त लगेगा ना। क्यों? कार्ड बढ़ चुके हैं बॉस। बट चुके हैं तो कट भी सकते हैं। 13 तारीख को धर्म की बहन की शादी है। 13 तारीख? मगर डैड, 13 तारीख तो बड़ी मनहूस तारीख है। मनहूस होगी उनके लिए। उन्हें शादी करके अपने फर्ज की सोचने दो, तुम अपने कर्ज की सोचो। जो उनकी बर्बादी करके तुम्हें उतारना है, समझ गए ना बेटा? समझ गया डैड। ओह माय गॉड।
ऊपर वाले की भी अजीब माया है। एक बेटी जिस घर की रौनक होती है, जिस घर की खुशियां होती है, जब उसकी डोली उठती है तो वो खुशी जहां वो जाती है उस घर में चली जाती है और उन लोगों की उदासी दूर हो जाती है। बाबा, पूजा की जब शादी नहीं हुई थी तो कितना बोझ था दिमाग पर, और आज उसकी शादी हो गई है फिर भी ये बोझ कम नहीं हुआ। दिमाग का बोझ तो कम हो गया मगर उसके बिछड़ने का गम दिल पर आ गया है। उसके जुदाई के आंसू आंखों से नहीं दिल से निकल रहे हैं बाबा, दिल से। हमें देखकर घबरा गई हो? घबराओ मत, हम तुम्हारे नकली पति हैं और आज की ये सुहाग रात हम मनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे असली पति को सुहाग रात बनाने के लिए हमने ऊपर भेज दिया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ओ माय गॉड, झूठ बोले कौआ काटे। और देखो, तुम चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हारी आवाज तो कोई सुन नहीं सकता। मेरे आदमियों ने नीचे बैठे हुए सब आदमियों के कान बंद कर दिए, और अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा, मैं ना कहा करता था कि इतना प्यार मत कर अपनी बहन से कि उसके जाने के बाद उसके जुदाई का गम बर्दाश्त ना हो। पता नहीं बाबा, पूजा की डोली चले जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं बाहर गई है और अभी आके कहेगी लो मैं आ गई भैया। भैया
गए भैया। पूजा भैया, ये पूजा बाबा, ये क्या हुआ पूजा? बाबा बाबा, पूजा बाबा, भैया उन जालिमों ने मेरे पति को मार डाला और मैं कौन थे वो लोग? बोल मेरी बहन, कौन थे वो लोग? बोल पूजा, बोल बे, बोल बोल बे। उसका नाम नहीं जानती, उसकी उसकी बोल पूजा, आप उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी भैया। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर जो आदमी तुमने मुझे मरवाने के लिए खड़े किए थे, मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारी जान बचाने के लिए कभी भी अंदर नहीं आ सकते। हराम सौदे, मैं तुझे गागा, इस वक्त तुम्हारा बाप गोगा मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने बाप का श्राद्ध मनाना नहीं चाहते तो मेरे इस बताए हुए पते पे पहुंच जाना। चेंबूर, आजाद मैदान। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जितने घटिया और गंदे इंसान हो उतनी अच्छी औलाद भी हो सकते हो। वाह, बेटा हो तो ऐसा जो अपने बाप की जान बचाने के लिए खुद की जान को भी दांव पे लगा सकता है। ओह माय गॉड, धर्मा तुम ठीक कहते हो, मैंने तो अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। मगर जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ एक चाल हारा हूं, पूरी बाजी नहीं। मैं समझा नहीं। मतलब मैं तुम्हें अभी 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 समझाता हूँ बॉस। हाँ वही। चमकी, शाबाश गागा, शाबाश। किसी की कमजोरी से फायदा कैसे उठाया जा सकता है? ये ताकत सिर्फ मेरी ही औलाद में हो सकती है। धर्म, तुम तो खेलने से पहले ही हार गए। बाजी बॉस, बाजी। हाँ वही। धर्म, जब बुरा वक्त आता है तो बोल के नहीं आता। हाँ, मैं तुमसे ज्यादा नहीं करना चाहता। बहस बॉस। हाँ वही, मेरा डैड तुम्हारे पास है और तुम्हारी तुम्हारी माशुका मेरे पास है। तुम मेरे डैड को छोड़ दो। ओ माय गॉड, मैं तुम्हारी माशुका को छोड़ दूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। तुम अपना रिवॉल्वर फेंक दो और मैं अपना रिवॉल्वर फेंक देता हूं, क्योंकि मुझे तुम जैसे पागल कुत्तों पर विश्वास नहीं है। यस, ओह माय गॉड, दुल्हन वही जो उसको भाए। पिया को बॉस। हाँ वही, ये अब नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने इसकी गोलियां पहले निकलवा दी थी। ओह माय गॉड, अब ये पिस्तौल चलेगी और तुम तो बचोगे नहीं। ओके, गुड बाय, गुड बाय। ये भी नहीं चलेगी कुत्ते, क्योंकि तुमने गोलियां पहले निकलवा दी थी और मैंने गोलियां भरी नहीं थी। ये और अब मैं तुम्हें गोलियां भरने का मौका नहीं दूंगा। अब
में वहां से खाके मेरे पास आ रहे हो? मार बॉस। हाँ वही। कमिश्नर हरि सिंह। क्या कहां? देखा गोगा बेटा, कल तक जिस बच्चे को तुमने बाहों का झूला झुलाया था, आज उसी बच्चे को तुम मौत का झूला झुलाओगे। जब मैं छोटा बच्चा था तो कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे तुम, आज तुम्हारी वो गंदी जुबान अचानक रुक क्यों गई? चिल्लाते क्यों नहीं हो तुम? चिल्लाओ। कौन हो तुम? ठीक सोच रहे हो तुम, मैं ही वो अनाथ बच्चा हूं जिसके बाप को तुमने इन कमजोर कंधों पर चढ़ाकर फांसी दे दी थी। याद है? याद है तुझे? याद है कुत्ते? जिस बच्चे को कल तक तूने अपनी जीती हुई बाजी का हिस्सा समझकर छोड़ दिया था, आज वही बच्चा तेरे सामने तेरा बाप बनकर खड़ा है। मैं चाहता तो तेरी कमीनी औलाद को कभी भी गोली मार सकता था, मगर नहीं, मैं तुझे एहसास दिलाना चाहता हूं कि फांसी पे लटकने से कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मैं तो बच्चा था, अपने माँ बाप का सदमा बर्दाश्त कर गया, लेकिन एक बाप अपने कंधों पर अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। गोगा, जब तक इन कंधों में दम है तब तक इसके दम में दम है। उस वक्त तमाशा तू देख रहा था और अब तमाशा मैं देखूंगा। और गोगा, इसे कहते हैं धर्म का इंसाफ। हाँ, मेरा इंसाफ। आ गया है वक्त, कर लो याद तुम भगवान को। अब न रहने दूंगा इस धरती पे मैं शैतान को। लाख तुम रो रो के चीखो, लाख तुम रो रो के चीखो, मैं तरस ना खाऊंगा जालिमों। ओ धर्म का इंसाफ क्या है, धर्म का इंसाफ क्या है, तुमको मैं बदलाऊंगा। बेटा, गागा, गागा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, 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 बेटा। तुम सारी जिंदगी भागते रहे गोगा, देखो आज तुम चल भी नहीं सकते, बहुत तकलीफ हो रही होगी ना।
मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। क्यों ना तुम्हारी ये तकलीफ दूर कर दूं? नहीं, अब की बार ये पिस्तौल खाली नहीं है गोगा। नहीं, नहीं। जीती हुई बाजी का एक हिस्सा छोड़ देना तुम्हारी आदत है, मगर बाजी के साथ साथ उसका हिस्सा खत्म कर देना मेरी नहीं। आदत है। नहीं, नहीं, नहीं धर्म, नहीं धर्मा, नहीं, नहीं। इंतजार करूंगी।